मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा सुपर 100 एग्जामिनेशन का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसमें क्या लाभ आपको मिलने वाला है, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप छात्र छात्रा हैं और आपने अपनी 10वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश बोर्ड से पास की है, आपने 70% या उससे अधिक के अंक प्राप्त किए हैं, तो आपको इस योजना के तहत आवेदन करना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप कक्षा 11वीं में पढ़ाई के साथ साथ सरकार के द्वारा फ्री में जेईई नीट जीपीटी जैसे एग्जाम की तैयारी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी तरह से इसकी कोचिंग फ्री दी जाएगी। अब चलते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर, जानते हैं इसका आवेदन ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। अगर यदि आपने ऑनलाइन नहीं कर पाया है तो आप नेक्स्ट के लिए अगले स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे सुपर 100 एग्जामिनेशन फॉर्म, और यहाँ पर ईयर दिया होगा जिस सन के लिए ये आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर यदि ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो यहाँ पर सन चेंज हो सकता है। अगर यदि आप 2023 या 2024 में इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पर फिल फॉर्म का विकल्प नजर आएगा और यहाँ पर उसकी अंतिम तिथि भी शो करेगी। यहाँ पर आपको फिल फॉर्म पर क्लिक करना है। एडमिट कार्ड आप यहां से ही प्राप्त कर पाएंगे। यहां पर नीचे एडमिट कार्ड का विकल्प आपको नजर आ जाएगा जब भी आपको एडमिट कार्ड दिया जाना है, तो आप एडमिट कार्ड के लिए भी सेम पोर्टल पर आकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर फॉर्म फिल करना है, और आपका पेमेंट नहीं हो पाया है या फिर किसी प्रकार का आपका पेमेंट पोर्टल से कट गया है, तो इसके लिए आप पे एंड पेड रिसिप्ट पर जा करके यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। फिलहाल हम नया फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं 10वीं क्लास में आपको 70% से ज्यादा का अंक प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर रोल नंबर डाल करके, कैप्चर कोड डाल करके आपको सर्च पर क्लिक करना है। स्टूडेंट की सभी जानकारी यहाँ पर आपको मौजूद हो जाएगी। आपको यहाँ कैटेगरी का चयन करना है, जनरल ओबीसी एसटी जिस कैटेगरी में भी स्टूडेंट आता है। यहाँ पर जेंडर का चयन करना है, छात्र मध्य प्रदेश का मूल निवासी है या नहीं उसका चयन करना है, छात्र के परिवार में राशन कार्ड है या नहीं उसका चयन करना है, छात्र किसी प्रकार की डिसेबिलिटी यानी हैंडीकैप तो नहीं है उसका चयन करना है, सब्जेक्ट का चयन करना है, किस एग्जाम के लिए इस फॉर्म को भरना चाह रहा है उस एग्जाम का चयन करना है, प्रेफरेंस स्कूल का चयन करना है कि किस शाला के अंतर्गत फॉर्म के लिए आवेदन करना चाह रहा है उसका चयन करना है, नीचे आवेदक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे देना है, नीचे आके इस बॉक्स को चेक मार्क करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करने से पहले फॉर्म चेक कर लें, फिर पेमेंट पर क्लिक करना है। आपके पास में एमपी ऑनलाइन पोर्टल है तो कियोस्क का चयन करना है, आईडी पासवर्ड डालकर पोर्टल से पेमेंट कर सकते हैं। अगर यदि पोर्टल नहीं है, कियोस्क के विकल्प के बाद से सिटीजन का विकल्प आपको नजर आएगा, उस पर क्लिक करके आप ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको रिसिप्ट दिखेगी, 100 रुपीज का यहाँ पर पेमेंट काटी गई है, इसका प्रिंट आप यहाँ पर ले सकते हैं और इसे संभाल कर रखना है। ये आपके पेमेंट रिसिप्ट है, आप इसका एडमिट कार्ड बाद में निकाल सकते हैं और एग्जाम के लिए जा सकते हैं। जानकारी के लिए मैंने अपनी वेबसाइट पर भी इसकी सारी जानकारी दी हुई है, दोनों की ही लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वेबसाइट में भी जा करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार वीडियोस देखने के चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, इस प्रकार की ढेर सारी वीडियोस का लाभ लेने के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।